नमस्कार मैं चंद्रकांत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिनो पेमेंट्स बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फिनो को कभी भी एस समझने का भूल मत कीजिएगा मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सी लेके चला रहा है बैंक ऑफ इंडिया का सी चला रहे हैं एस का सी चला रहे हैं किसी कारणवश उनको वो छोड़ना पड़ रहा है या फिर छूट जा रहा है तो वो फिनों की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये सब करने से पहले फिनो की तरफ मूव करने से पहले फिनो बैंक का सी लेने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि फिनो बैंक आखिरकार एस के साथ इसका कंपेयर क्यों नहीं करना है बाकी ऑर्डर जितने भी सारे बैंक्स है उनके साथ कंपेयर क्यों नहीं करना है देखिए अगर आप एस का सी लेते हैं तो उसमें खाता जोरों शोरों से खुलता है बहुत सारा खाता उसमें खुलता है क्योंकि लोग एस पे भरोसा करते हैं फिनो अभी नया कंपनी है इसलिए इस पर लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं यहां तक कि कुछ लोग जो है बहुत लोग जो है इसका नाम भी नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एस आई, खाता खोलने का प्रक्रिया जो अपना रखा हुआ है सी वालों के लिए तो वो फ्री होता है या फिर मेन ब्रांच में भी खाता खोलिएगा तो वो कुछ डिपॉजिट लेते हैं लेकिन आपका वो पैसा जो है आपके अकाउंट में डाल देते हैं लेकिन फिनो पेमेंट बैंक क्या है कि आपका शुरू से ही सबसे कम अमाउंट है इसका खाता खोलने का दो सौ यानी कि ढाई सौ तो आपको देना ही देना है अब आप ये सोच लीजिए कि एक तो नया बैंक और ऊपर से कस्टमर इसमें खाते खुलवाने के लिए पैसे इतना ज़्यादा क्यों देंगे ढाई सौ वाला खाता में कस्टमर को आप ए भी प्रोवाइड नहीं कर सकते कभी भी नहीं कर सकते आपको आप अगर आपको एटीएम प्रोवाइड करना है तो शुभ सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है जिसके लिए फिनो बैंक चार्ज करता है साढ़े चार सौ रुपये वहीं एसबीआई आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं करता है बल्कि उल्टा में आपको कमीशन भी देता है अगर आप कस्टमर से सौ रुपये भी लेते हैं खाता खोलने का तो वो सौ रुपये आप कस्टमर के खाते में डाल सकते हैं या फिर वो अपने पास भी रखेंगे तो वो आपका प्रॉफिट है अगर आप सी चला रहे हैं तो हमारे जो मार्केट है वहाँ पे भी एस बी का सी है तो वो दो सौ लेते हैं सौ रुपए खाते में डाल देते हैं सौ रुपये अपना कमीशन के तौर पे रखते हैं हालांकि एस की तरफ से भी पंद्रह या पच्चीस रुपये का कमीशन उनको प्रत्येक खाते खोलने पे मिल जाता है लेकिन फिनो बैंक में ऐसा नहीं है एक तो नया बैंक है और ऊपर से जो है इसका खाता भी उतना नहीं खुलता है हाँ देखिए एक तरह से मैं आपको बता दूँ कि फिनो बैंक में इंस्टेंट आप ए तो प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टेंट आप अकाउंट नंबर तो प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन खाता खोलने के लिए आप खुद सोच लीजिए कि साढ़े चार सौ रुपये फिनो बैंक ही आपसे काटेगा तो आप कस्टमर से कितना लीजिएगा और फिर आप क्या कमाइएगा और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि कमीशन सबसे ज्यादा कहाँ से आता है देखिए मैं ये नहीं कहता कि जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिएगा उतना ज़्यादा कमीशन आएगा वो तो है ठीक लेकिन सबसे ज़्यादा कमीशन कहाँ से आता है वो अगर आप किसी का खाता खोल रहे हैं और वो अपने खाते में पैसा रख रहा है तो इंटरेस्ट उसको तो मिल ही रहा है लेकिन 0.035 परसेंट तक का इंटरेस्ट आप सी चलाने वाले को भी मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि एक फिनो बैंक का खाता उतना ज़्यादा खुलता नहीं है अगर आपको फिनो बैंक का खाता आप सौ खोल रहे हैं तो एस का खाता वहीं पर एक तक खोल सकते हैं ये इतना ज़्यादा एस पॉपुलर है इतना ज़्यादा एस के, के कस्टमर हैं तो आपको खुद सोचना है कि एस को छोड़कर फिनो में मूव क्यों कर रहे हैं ठीक देखिए अगर कोई मतलब आपके पास कोई उपाय नहीं है फिर आप फिनो को सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये मत सोचिएगा कि एस से ज़्यादा कमाई होने वाला है क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है और आप जो है इसको उतना मतलब कि ज़ोरों शोरों से नहीं ले सकते हैं कमाई का कुछ एक्स्ट्रा जरिया नहीं बना सकते मैं आपको बता दूं कि फिनो बैंक का पाँच हज़ार खाते खोलने में आपका हो सकता है पूरा ज़िंदगी लग जाए बहुत ज़्यादा प्रचार कीजिएगा तो हो सकता है कि आधे ज़िंदगी में खोल पाए लेकिन वहीं एस का खाता पाँच आपको एकदम से मिल जाता है मतलब कि रोज दो चार दस बीस रोज दो चार दस बीस अगर आप कहीं पे भी रूरल एरिया में गांव टाइप एरिया में एस का ब्रांच खोल रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपके पास आएंगे ही खाता खुलवाने के लिए क्योंकि उन लोगों को एस पे भरोसा है मैं ये नहीं कहता कि फिनो बैंक बेकार है या ख़राब है लेकिन उन लोगों को एस बी पे भरोसा है कि एस हमारे साथ कभी मतलब कि पुराना बैंक है तो देखिए एस बी आई का खाता आपके पास बहुत ज़्यादा खोलेंगे रोज का दस भी खाता खोलेगा तो आपका इनकम एस uh, बी आई की तरफ से भी मान लीजिए बीस रुपये मिलता है तो दो सौ रुपये उधर से आ जाते हैं और फिर आप जो खाते खोलते समय जैसे हमारे मार्केट में फिर लोग लेता है लोग एस बी आई ब्रांच वाले सौ रुपये तो अगर आप सौ सौ रुपये भी लेते हैं तो दो ऐसे हो जाता है बाकी देखिए इनकम आता कहाँ से है मान लीजिए पाँच हज़ार खाते आप खोल हैं ठीक तो लगभग एस बी आई के तरफ से महीने का आपका केवल इंटरेस्ट जो आता है वो लगभग बीस से पच्चीस तीस चालीस हज़ार तक भी हो जाता है लेकिन वहीं अगर हम बात करें फिनो बैंक की तो इसका सौ मैं अभी तक अपना ब्रांच चलाता हूँ मुश्किल से छः सात सौ खाते जो है हमारे पास खोले होंगे उसका कमीशन मेरे पास आता है सात सौ आठ सौ रुपये नौ सौ रुपये लगभग अगर मैं उतने दिनों से अगर एस बी आई कर रहा होता तो मुझे लगता है कि मेरे पास दस हज़ार खाते भी होते हैं और मेरा जो मंथली जो कमीशन आता है वो लगभग चालीस से पचास हज़ार आराम से आता मैं इसीलिए आप लोगों को फिनो और एस बी आई का कंपेयर करके बता दिया आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए हम आपको केवल गाइड करते हैं ठीक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे केवल सच प्रोवाइड किया जाता है झूठे खबरों से आपको मतलब कि दूर रखा जाता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार